तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चे, आज हम करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कि आपके क्लास 12 एकेडमिक्स के लिए काफी हेल्पफुल है। तो बच्चे, स्टार्ट करते हैं हमारा ये खूबसूरत सेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ध्यान से देखो बेटा, इस जो मुझे डेटा दे रखा है वो कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा? N=1, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना आना चाहिए कि क्वेश्चंस में जो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स दे रखी हैं, आप लोग वहां से किसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वो क्या कह रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑफ किसका? N2O5 का। तो N2O5 का थर्मल डिकम्पोजिशन देखो कैसे होगा। N2O5 जो कि मेरा गैशियस फॉर्म में होता है, वो कन्वर्ट होगा बेटा ट्वाइस ऑफ N2O4 में। बिल्कुल सही बात। और ये भी किस स्टेट में होगा? गैशियस फॉर्म में, प्लस O2 गैशियस फॉर्म। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब देखो ये कुछ डेटा इसमें गिवन है बेटा, और डेटा को थोड़ा रीड करते हैं। डेटा दे रखा है कि ये जो इक्वेशन जारी है, 0 सेकंड पे जो टोटल प्रेशर मिला वो मुझे कितना मिला? 0.5। बिल्कुल ठीक है। 100 सेकंड पे जैसे ये रिएक्शन 0 से 100 सेकंड की तरफ बढ़ी, तो उसके बाद जो मेरा टोटल प्रेशर हो गया वो कितना हो गया बेटा? वो हो गया मेरा 0.512। चलो बिल्कुल ठीक बात। और देखो बेटा, टोटल प्रेशर की मुझे यूनिट भी दे रखी है और मुझे टाइम की भी यूनिट ऑलरेडी गिवन है। क्लियर बात। अब चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये मेरी रिएक्शन है, ये रिएक्शन मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है। इस एरो के LHS वाला पार्ट होता है वो मेरा क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। और RHS वाला पार्ट क्या होता है? मेरा प्रोडक्ट होता है। तो 0 सेकंड पे मेरा जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 0.5। और 0 सेकंड पे जो प्रोडक्ट का जो प्रेशर होगा वो कितना होगा? 0 ATM, 0 ATM। अगर आपको ये रिएक्शन सॉल्व करना नहीं आ रही हो तो मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में केमिकल काइनेटिक्स के 22 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आपको ये इक्वेशन इजिली सॉल्व करना आ जाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले उन 22 वीडियोस को देखिएगा, उसी के बाद आज का वीडियो देखिएगा, उसी के बाद आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। अब जैसे ये रिएक्शन 0 सेकंड से 100 सेकंड पे बढ़ी, उस केस में N2O5 का जो टोटल प्रेशर था वो कितना हो जाएगा? 0.5 - 2x, 0.5 - 2x। अब ध्यान से देखना बेटा, N2O5 के आगे जो कोफिशियंट कितना लगा हुआ है? 2। इसलिए आपने x के आगे कितना कोफिशियंट लगा लिया? 2। अगर यहां कोफिशियंट 3 होता तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाती बेटा? 0.5 - 3x। Is that clear? आप देखो N2O4 के आगे कोफिशिएंट कितना है? 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा बेटा? 2x। अगर N2O4 के आगे अगर 3 लिखा होता तो N2O4 कितना बनता उस केस में? 3x। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। O2 के आगे कोफिशिएंट कितना है? 1। इसलिए डायरेक्टली यहां पे कितना आ जाएगा बेटा? x आ जाएगा। क्लियर बेटा। अब देखो P टोटल कितना होगा बेटा? P टोटल इस केस में मेरा हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, 0.5 - 2x, जो कि मेरा रिएक्टेंट का प्रेशर था। अब उसके बाद प्रोडक्ट का प्रेशर आएगा कितना? 2x + x। आप कहोगे बिल्कुल सही बात। अब -2x से +2x कटा, P टोटल की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी बेटा 0.5 + x। बिल्कुल सही बात। ध्यान से देखो, क्वेश्चन में मुझे P टोटल दे रखा है एट T=100 सेकंड, कितना? 0.512। तो इसकी वैल्यू पुट करो बेटा, 0.512 इज इक्वल टू 0.5 + x। और यहां से आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि कितनी आएगी बेटा? 0.012। यहां तक ये सारी बातें क्लियर हुई बेटा? सारी बातें क्लियर हुई बेटा? हाँ है ना, ये बातें क्लियर हुई बेटा आपकी? अच्छा ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटा, अब इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां पे हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है, अब ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा सिंपल हो चुका है, अब इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखना बेटा, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है रेट कॉन्स्टेंट। अब रेट कॉन्स्टेंट कैसे निकालूंगा? ध्यान से देखो, अभी हमने देखा था ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी N=1। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मुझे रेट कांस्टेंट
और टाइम के बीच का रिलेशन पता है, जो कि आता है बेटा के इंटू टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर, आर नॉट बाय आर। यहां पे इस केस में आर नॉट क्या होता है बेटा, वो होता है बेटा मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आर क्या होता है बेटा मेरा इस केस में, वो होता है बेटा मेरा फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। चलो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं बेटा। यहां से के की वैल्यू लिखी जा सकती है बेटा 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ऑफ, अब मुझे बताओ बेटा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी बेटा मेरी 0.5, तो वैल्यू पुट कर दो बेटा। वैल्यू पुट करोगे आप लोग तो यहां पे आपको मिलेगा बेटा 0.5 डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया था बेटा बता सकते हो, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गया था बेटा मेरा 0.5 - 2x। ये रहा आपका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.5 - 2x। और 0.5 - 2x को आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे बेटा, आपको यहां पे x की वैल्यू पता है बिल्कुल, इसको सॉल्व करो बेटा 0.5 - 2x पॉइंट 0.012। और जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू मिलेगी आपको 0.476। ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा के आप यहां पे पुट करो तो आपको k की वैल्यू मिलेगी, यहां से k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कितना बेटा, टाइम इज 100 सेकेंड। वैल्यू पुट करो 100 सेकेंड लॉग ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय 0.476। यहां तक वैल्यू आ गई बेटा, इसको आगे सॉल्व करो, ये मिलेगा बेटा आपको 2.303 डिवाइडेड बाय 100 लॉग ऑफ। और जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा बेटा लॉग ऑफ 1.05। इस पूरे एक्सप्रेशन की आपकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1.05। ठीक है बेटा, अब उसके बाद ध्यान से देखो, अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा लॉग ऑफ 1.015। लॉग ऑफ 1.05 की वैल्यू आती है बेटा 0.021। उठा के वैल्यू यहां डालो 2.303 इनटू 0.021 डिवाइडेड बाय 100। और जब इस एक्सप्रेशन को फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बेटा 4.8 इनटू 10^-4 पर सेकेंड। तो ये आ गई बेटा आपकी रेट कांस्टेंट की वैल्यू। इज दैट क्लियर बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कह रहा है बेटा द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन। बेटा एक रिएक्शन दे रखी है बेटा, कौन सी, ट्वाइस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसका स्टेट क्या है बेटा, गैशियस, और ये कन्वर्ट हो रहा है बेटा हाइड्रोजन प्लस I2 में। वो कह रहा है कि इस रिएक्शन की जो मुझे एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है वो दे रखी है बेटा 209.5 किलो जूल पर मोल। चलो बेटा कितने टेम्परेचर पे, वो कह रहा है कि 581 केल्विन। चलो ठीक है, वो कह रहा है कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। वो कह रहा है कि आपको वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स कैलकुलेट करने हैं जिसकी एनर्जी या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या फिर इससे ज्यादा। सबसे पहले तो मुझे, अगर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, दैट इज रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय आर टी। ये किसी को याद है बेटा, यहां पे के क्या होता था ध्यान से देखो, यहां के होता था रेट कांस्टेंट, ई ए क्या होता था एक्टिवेशन एनर्जी, आर क्या होता था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी क्या होता था बेटा टेम्परेचर। ध्यान से देखो बेटा, अब ये वाला जो पार्ट लिखा हुआ है ना, ई की पावर माइनस ई ए इंटू आर टी, दैट इज ई की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, यही चीज क्या होती है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही चीज क्या होती है बेटा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, आप चलो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करते हैं बेटा। कैसे कैलकुलेट करेंगे ध्यान से देखना बेटा, ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी,
एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है बेटा, ये आपको दे रखी है 209.5 किलो जूल। किलो जूल को अगर जूल में कन्वर्ट करूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा बेटा 1000 से। तो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, 209.5 इनटू 1000 जूल पर मोल डिवाइडेड बाय आरटी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना आएगा बेटा, इनटू, देखो टेम्परेचर दे रखा है मुझे कितना, 581 केल्विन, 581 केल्विन, तो 581 केल्विन यहां पे वैल्यू पुट करो बेटा। पुट करने के बाद देखो बेटा, जूल से जूल कटा, पर मोल से पर मोल कटा और केल्विन से केल्विन कटा, ठीक है बेटा। अब जब इसको आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, ई की पावर -43.4। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, 1/e की पावर 43.4, हाँ है ना बेटा। और जब आप कैलकुलेट करोगे बेटा क्या, e की पावर 43.4 को, तो इसकी वैल्यू निकल के आती है बेटा 7.05 इंटू 10^18। तो ये वैल्यू यहां पे डालो बेटा, 1/7.05 इंटू 10^18, और जब इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा बेटा 1.4 इंटू 10^-19 मॉलिक्यूल्स। तो जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो बेटा और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। चलो ठीक है बेटा, आप सब लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, दी डीकॉम्पोजिशन ऑफ डाइमिथाइल ईथर लीड्स टू दी फॉर्मेशन ऑफ CH4H2N कार्बन मोनोक्साइड एंड द रिएक्शन रेट इज गिवन बाय, ये हमें इस रिएक्शन का रेट दे रखा है, ठीक है। वो कह रहा है द रेट ऑफ रिएक्शन इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन अ क्लोज वेसल, सो द रेट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर दैट इज। वो कह रहा है कि बेटा कि मुझे एक किसी भी रिएक्शन का रेट दे रखा है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेट इज इक्वल टू के ब्रैकेट में पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर, पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। वो कह रहा है इफ द प्रेशर इज मेजर्ड इन बार, मतलब वो कह रहा है कि प्रेशर को हम मेजर कर रहे हैं किसमें बेटा, बार में, चलो ठीक है। और टाइम को मेजर कर रहे हैं हम किसमें बेटा, टाइम को मेजर कर रहे हैं हम मिनट्स में। तो वो कह रहा है कि मुझे रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स बता दीजिए, चलो ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रेशर की फॉर्म, अगर किसी भी रिएक्शन का रेट लिखते हैं आप, वो क्या लिखते हैं बेटा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये देखिए, अब यहां पे ये ब्रैकेट साइन मुझे क्या बताता है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान से देखो, क्या यहां पे कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है या फिर प्रेशर की फॉर्म में, अगर प्रेशर की फॉर्म में दिखा है तो यहां पे रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, क्यों, क्योंकि यहां पे दे रखा है बेटा पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में, बिल्कुल सही बात। अब मुझे बताओ पार्शियल प्रेशर की यूनिट कितनी है बेटा, बार ऑलरेडी गिवन है, और टाइम की यूनिट क्या है बेटा, मिनट। तो यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट है और उसकी यूनिट आएगी वो कितनी आएगी बेटा, बार पर मिनट, बार पर मिनट। तो ये हो गई इस इक्वेशन की रेट की कॉन्स्टेंट, इतना क्लियर हो गया। अब देखो उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना बेटा, यहां तक समझ में आया आप लोगों को सबको बेटा, यहां तक समझ में आया। अब देखो, अब आगे का क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना बेटा। अब देखो
रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर की पावर 3/2। यहां पे P क्या बता रहा बेटा? ये बता रहा बेटा आपका पार्शियल प्रेशर। अब देखो रेट की यूनिट हमने ऑलरेडी निकाल ली थी, क्या बेटा? बार पर मिनट इज इक्वल टू K, यहां पे लिखा है पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइमिथाइल ईथर। पार्शियल प्रेशर की यूनिट कितनी होगी बेटा? बार, अरे हाँ है ना, बार की पावर 3/2। चलो अब यहां से सॉल्व करो बेटा, बार पर मिनट डिवाइडेड बाय बार की पावर 3/2 विल गिव यू रेट कांस्टेंट। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा बेटा? देखो बार की पावर 1 माइनस 3/2 इनटू पर मिनट। यहां से इसको सॉल्व करो बेटा, बार की पावर ये आ जाएगा बेटा माइनस हाफ और यहां से आ गया बेटा पर मिनट। तो ये हो गया बेटा आपका रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते बेटा। आगे कह रहा है कि मेरे पास एक रिएक्शन दे रखी है, कौन सी बेटा? 2a प्लस बी गिविंग मी ए टू बी। चलो बिल्कुल ठीक है। और इस रिएक्शन की जो मुझे रेट दे रखी है वो दे रखी है बेटा रेट कांस्टेंट इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी की पावर 2। और यहां पे के की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? के की वैल्यू दे रखी है मुझे 2 × 10⁻⁶ मोल की पावर -2 लीटर की पावर 2 पर सेकेंड। और मुझे ए की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है कितनी बेटा? 0.1 मोल पर लीटर। मुझे बी की कॉन्सेंट्रेशन भी दे रखी है बेटा कितना? 0.2 मोल पर लीटर। वो कह रहा है कि मुझे इस रिएक्शन की रेट निकालनी है when the कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज रिड्यूस टू 0.06। तो सबसे पहले तो जो ओरिजिनल इस इक्वेशन की रेट होगी वो निकाल लेते हैं। तो रेट इज इक्वल टू के, के की वैल्यू दे रखी है बेटा बिल्कुल 2 × 10⁻⁶। तो 2 × 10⁻⁶ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितनी दे रखी है 0.1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी दे रखी है 0.2 की पावर 2। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 8 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर पर सेकेंड, इतना ही मिलेगा बेटा। अब वो कह रहा है कि जो ए की कॉन्सेंट्रेशन थी वो रिड्यूस होके रह गई है 0.06। अब मुझे बताओ ए की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थी वो कितनी थी बेटा? वो थी बेटा मेरी 0.1 मोल पर लीटर। और ए की जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है वो कह रहा है कि रिड्यूस होगी कितनी? 0.06 मोल पर लीटर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ये थी, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ये हो गई। आप मुझे बता सकते हो कितना ए होगा जिसने रिएक्ट किया होगा? इनिशियल ये थी 0.1, फाइनल कितनी रहेगी 0.06। तो कितने ए ने रिएक्ट किया होगा? इसको करेंगे 0.1 माइनस 0.06, तो ये आ गया आपका 0.04 मोल्स पर लीटर। इतने ए ने रिएक्ट किया होगा। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखना बेटा, इस इक्वेशन को ध्यान से देखना। देखो ए के जब 2 मोल्स होंगे तो बी के कितने मोल रिएक्ट कर रहे होंगे? 1। ध्यान से देख पा रहे हो इस इक्वेशन को? इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, जब ए के 2 मोल होंगे तो बी के कितने मोल रिएक्ट कर रहे होंगे? 1। अगर मान लो ए के अगर 4 मोल होते तो बी के कितने मोल होंगे बेटा? इसके जस्ट हाफ हो जाएंगे, हाँ है ना। अगर ए मेरा 0.04 मोल्स पर लीटर रिएक्ट कर रहा है तो मुझे बता सकते हो बेटा बी कितना रिएक्ट कर रहा होगा?
बी इसका जस्ट हाफ कर रहा होगा, तो आ जाएगा 0.04 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर वुड बी 0.02 मोल्स पर लीटर। तो अगर ए 0.04 बन रहा है तो बी कितना बन रहा है बेटा, 0.02। अब मुझे बताओ स्टार्टिंग में बी की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, स्टार्टिंग में थी बेटा मेरी 0.2 मोल्स पर लीटर, और अभी कितनी रह गई बेटा, 0.02 मोल्स पर लीटर। इसको माइनस करो कितने बी ने रिएक्ट करा होगा, आंसर आएगा 0.18 मोल्स पर लीटर। आपका फाइनल आंसर कितना आया, कितना नया बी बना होगा, 0.18 मोल्स पर लीटर। तो नई रेट निकाल सकते हो बेटा, नई रेट बिल्कुल निकाल सकते हो, दैट इज के इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बी रेस टू पावर। हमने यहाँ पे के ऑलरेडी निकाल लिया है, के ऑलरेडी गिवन है कितना बच्चा, चलो एक बार इसको सॉल्व करके देख लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व करके एक बार पूरा देख लेते हैं। हमारे पास ए आ गया, हमारे पास बी आ गया, अब आप नई इक्वेशन इजीली बना सकते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो रेट इज इक्वल टू के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर 2। तो के की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 × 10⁻⁶। ए कितना था हमारे पास, ए था हमारा पास बेटा, ए कितना रिड्यूस हो चुका था बेटा, 0.06, और बी कितना बना था नया वाला बेटा, बी बना था हमारा 0.18। तो लिखो 0.18 की पावर 2, तो इसको सॉल्व करोगे फाइनली आपको आंसर मिलेगा बेटा 3.89 × 10⁻⁹ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया बेटा आपका फाइनल आंसर, क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि इन अ रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन आर नॉट वाज मेजर्ड फॉर डिफरेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एज गिवन बिलो। वो कह रहा है बेटा एक मेरे पास रिएक्शन है, दैट इज ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी इंटू कैपिटल बी, और वो कुछ रिएक्ट करके बेटा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है बेटा। अब आपको उसने एक एक्सपेरिमेंट 1 बताया, एक्सपेरिमेंट 2 बताया और एक्सपेरिमेंट 3 बताया। उसने बोला जब एक्सपेरिमेंट 1 में ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन ये रखी तो उस रिएक्शन का जो रेट आया वो ये निकल के आया, एक्सपेरिमेंट 2 में जब ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन ये रखी तो उस रिएक्शन का रेट ये निकल के आया, एक्सपेरिमेंट 3 में जब ए और बी की कॉन्सेंट्रेशन ये रखी तो उस रिएक्शन का रेट ये निकल के आया। अब मुझे बताओ बेटा इस रिएक्शन का अगर मुझे जनरल फॉर्म लिखना होगा रेट का, वो क्या लिखूंगा बेटा, रेट इज इक्वल टू के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए इनटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल बी रेज टू पावर स्मॉल बी। तो वो कह रहा है कि मुझे ए और बी के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। चलो बिल्कुल सही बात है, बता देते हैं बेटा। ठीक है बेटा चलो ध्यान से देखना। अब आप देखो बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 1 ध्यान से देखो, ठीक है। एक्सपेरिमेंट 1 की इक्वेशन लिख रहा हूं, एक्सपेरिमेंट 1 में उस रिएक्शन का रेट कितना दे रखा है, मुझे दे रखा है 5.07 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू के, क्या मुझे ए की कॉन्सेंट्रेशन गिवेन है, बिल्कुल, कितना 0.20 raised to power a, क्या मुझे बी की कॉन्सेंट्रेशन गिवेन है, बिल्कुल, कितना 0.30 raised to power b। ये कोई बेटा इक्वेशन 1। अब देखो बेटा मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ले रहा हूं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 ले रहा हूं, एक्सपेरिमेंट 2 में जो रेट है उसकी वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है बेटा, कितनी 5.07 × 10⁻⁵ इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ए की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है बेटा, बिल्कुल दे रखी है 0.20 raised to power a इनटू बी की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, बिल्कुल, कितना 0.10 raised to power b, और ये हो गई बेटा इक्वेशन 2। हाँ है ना,
अब ध्यान से देखना बेटा, अब मैं कह रहा हूं कि आप इक्वेशन वन को डिवाइड करो किससे, इक्वेशन टू से डिवाइड करो। ये देखो एलएचएस वाला पार्ट कट गया, के से के कटा और ये वाली चीज भी कट गई, मुझे क्या मिला फाइनली, वन इज इक्वल टू ये कितना बार, थ्री, थ्री की पावर बी, यही मिला। ध्यान से देखना बेटा, इस वन को क्या लिख सकता हूं मैं, इस वन को लिख सकता हूं बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ थ्री रेज टू पावर जीरो। क्या इस वन को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो यहां से मुझे बी की वैल्यू कितनी मिली बेटा बता सकते हो, बी की वैल्यू मुझे मिली बेटा जीरो, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू बी इट्स ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो बी के रिस्पेक्ट में तो हमने इस रिएक्शन का ऑर्डर निकाल लिया, अब हमें ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। ए के रिस्पेक्ट में आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर वन लेना है और एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री लेना है। ध्यान से देखना बेटा नेक्स्ट स्लाइड में, अब देखो केस टू में हमने क्या लिखा, एक्सपेरिमेंट नंबर वन लिया और एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री लिया। तो उसके बाद हमने देखो यहां पे उसके लिए एक्सपेरिमेंट नंबर वन के लिए रेट की वैल्यू दे रखी है बिल्कुल, और यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दे रखी है। अब देखो मैंने यहां पे क्या कर रखा है बेटा, देखो बी की पावर देख लेते बेटा, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर वन रेट इज इक्वल टू के चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर स्मॉल ए इन टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल बी रेज टू पावर स्मॉल बी। एक्सपेरिमेंट वन वन के लिए रेट की वैल्यू दे रखी है बिल्कुल 5.07 इन टू 10^-5 इज इक्वल टू के, एक्सपेरिमेंट नंबर वन के लिए क्या मुझे ए की वैल्यू दे रखी है बिल्कुल कितनी, 0.20 रेज टू पावर ए। अब मुझे बताओ बेटा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट से क्या हमने बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी, बी की वैल्यू कितनी थी बेटा जीरो। तो जैसे ही आप यहां पे बी बी रेज टू पावर जीरो डालोगे तो इसकी पूरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा वन, फाइनली आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, 5.07 इंटू 10^-5 इक्वल टू के ब्रैकेट में 0.20 की पावर ए, ये बन गई बेटा मेरी पहली इक्वेशन। हाँ है ना, अब एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री से मुझे रेट की वैल्यू बताओ, 1.43 इंटू 10^-4 और इसको मैं डायरेक्टली लिख दूं बेटा दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इंटू 0.40 रेज टू पावर ए, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा बेटा वन के बराबर हो जाएगा। हाँ है ना, अब देखो ये आ गई आपकी इक्वेशन टू, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपका के से के चला गया बेटा, आप कहोगे बिल्कुल सही बात। ध्यान से देखना बेटा इस वाली टर्म को, एलएचएस वाली टर्म को जब आप सॉल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा 2.8, 2.8 यही वैल्यू निकल के आएगी बेटा 2.8। हाँ है ना बच्चा, इसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा आपकी 2.8। अच्छा इसको रिवर्स कर लेते हैं बेटा, रिवर्स कर लेते हैं ठीक है, इसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा 1/2.8 और इसको सॉल्व करोगे बेटा अच्छा इसको उल्टा भी कर सकते हैं बेटा, कैसे बेटा ध्यान से देखो बेटा, इसको अगर हम ऐसा करें 1.43 इंटू 10^-4 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 10^-5 इक्वल टू 0.40 डिवाइडेड बाय 0.20 रेज टू पावर ए, कर सकते हैं बेटा। जब इस टर्म को आप सॉल्व करोगे बेटा आपको इसकी वैल्यू निकल के आएगी बेटा 2.8 इज इक्वल टू 2 की पावर ए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बेटा, दोनों तरफ लॉग ले लो, यहां से निकल के आएगा बेटा लॉग ऑफ 2.8 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 की पावर ए टू दी बेस 10। लॉग ऑफ 2.8 की वैल्यू होती है बेटा 0.45 इज इक्वल टू ए लॉग ऑफ 2 टू दी बेस 10। लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, लॉग 2 की वैल्यू होती है बेटा 0.3010, तो ए इंटू 0.3010 और यहां से ए की वैल्यू निकल के आएगी बेटा अप्रोक्सीमेटली 1.5
यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए इज 1.5। क्लियर है बच्चे? चलो इसी के साथ इस खूबसूरत सेशन को यही खत्म करते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया होगा डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।